मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू भारत इंटरनेशनल स्कूल। जैसा कि हमारा जो चैप्टर चल रहा था पेशवा, उस पेशवा के अंदर हम जो पढ़ रहे थे टॉपिक के अंदर, तो साहू के बारे में और बालाजी विश्वनाथ के बारे में, यानी कि इसके उनके बारे में हम पढ़ रहे थे। और जिसके अंदर हमने देखा था कि इसके अंतर्गत हमने देखा था कि जो बालाजी विश्वनाथ थे, यहीं से हमारा जो पेशवा का पद था वो स्टार्ट होता है। और स्टार्ट करने वाले थे साहू कि पहले जो पेशवा का पद था उसको अपन मराठा साम्राज्य के अंदर प्रधानमंत्री का पद था। प्रधानमंत्री के नाम पर जो है जब पेशवा बनाया जाता है, पेशवा बनाने वाले साहू थे। और साहू ने सबसे पहले जो पेशवा बनाया था वो बनाया था बालाजी विश्वनाथ। और बालाजी विश्वनाथ के सहयोग से ही जो दक्षिण के अंदर दक्कन के जो पठार वगैरह वहां उस क्षेत्र के अंदर चौथ प्रदेश मुखी कर, यानी कि जो मराठा साम्राज्य का सबसे महत्वपूर्ण आय का जो स्रोत था चौथ और प्रदेश मुखी कर, उसको वापस दक्कन के धर्मशाला करवाना शुरू करवाने का जो कार्य किया था वो बालाजी विश्वनाथ ने किया था। और साहू ने इनको मराठा साम्राज्य का द्वितीय शिवाजी भी कहते हैं या द्वितीय संस्थापक भी कहा जाता है। और साथ ही साथ में मराठा साम्राज्य का इनको शिवाजी के साथ साथ में द्वितीय द्वितीय संस्थापक मराठा साम्राज्य, यानी मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक कहा जाता है। और साथ ही साथ में जब इनकी मृत्यु होती है, इनकी मृत्यु के बाद इनका जो पुत्र था बाजीराव वो पेशवा बनता है। और बाजीराव भी एक योग्य पेशवा था। तो बाजीराव ने क्या किया, सबसे पहले उसने देखा कि अभी जो अपनी सिचुएशन जो चल रही है, अभी जो समय चल रहा है उसके अंदर मुगल साम्राज्य किनारे।
तो ये हमारा टॉपिक पूरा होता है पेशवा साम्राज्य।